हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं हूं आकाश पांडे और आप देख रहे हैं यूनिक सिविल यानी मेक योर सेल्फ यूनिक। दोस्तों मैं दो दिन से वीडियोस नहीं तैयार कर पाया था आपके लिए, मैं थोड़ा सा बिजी था। अभी भी आप देख सकते हैं मेरी आंखें स्वेलिंग कर रही है, मैं सुबह के 5 बजे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। दोस्तों काफी लोगों का एक क्वेरीज था, कॉमन क्वेरीज बार बार आता था, आपका भी होगा यही क्वेरीज कि सर पोर्टफोलियो किस तरीके से तैयार करते हैं। पोर्टफोलियो तैयार करने के लिए काफी लोगों ने मुझे कई बार कमेंट डाला कि सर पोर्टफोलियो हम नहीं तैयार कर पाते या किस तरीके से करूँ समझ में नहीं आता। तो मैंने सोचा क्यों ना एक पोर्टफोलियो का सैंपल आपको दिखा देता हूं, तो उस सैंपल से आपको क्लियर हो जाएगा किस तरीके से पोर्टफोलियो तैयार करते हैं। मुझे काफी लोगों ने अभी पीछे अप्लाई किया था, उसमें से मुझे 2 लोगों का थोड़ा सा पोर्टफोलियो अच्छा लगा और साथ ही साथ उनका मुझे कवर लेटर अच्छा लगा। तो मैंने सोचा कि आपको पोर्टफोलियो और कवर लेटर दोनों आपके साथ शेयर करता हूँ, सो दैट आप समझ सको कि अच्छा इस तरीके से पोर्टफोलियो बनाते हैं और इस तरीके से हम लोग कवर लेटर बनाते हैं। वैसे दोस्तों उन्होंने एमएस ऑफिस, जो आपको भी आता होगा, अगर आप बिगनर हैं तो आराम से एमएस ऑफिस यानी ओपन करिए एमएस ऑफिस सिनेसिस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। उसके अंदर आप रेंडर की हुई फाइल्स, आपके पास जो रेंडर की हुई फाइल्स, रेंडर तो पता ही होगा सॉफ्टवेयर की, जो रेंडर करने के बाद जो फाइल क्रिएट होती है वो फाइल को इम्पोर्ट कर लीजिए और इम्पोर्ट करने के बाद सेव मेनू पे जाके उसको फटाफट क्या कर सकते हैं, पीडीएफ फॉर्मेट में तैयार कर सकते हैं। एक तरीका तो ये होता है। दूसरा तरीका ये होता है कि आपके पास कोई एडिटर है, ठीक है, तो उनसे फोटोशॉप पे आप बनवा सकते हो क्योंकि उसमें बहुत ही अलग टाइप का बनता है। फिलहाल तो जो मेरे पास आई ये वर्ड में है, नॉट बैड, अच्छा है। 2 लोगों की सीवी मैंने देखी और उनका पोर्टफोलियो देखा, मुझे अच्छा लगा। और लेकिन अगर आपको और ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव बनाना है तो आप किसी अच्छे जिसको फोटोशॉप आ रहा हो ऐसे लोगों से कॉन्टेक्ट कर लीजिए, आपसे थोड़ा बहुत चार्ज करेंगे वो और आप अपनी इमेजेस उनको दे दीजिए, फटाफट वो बना देंगे। अगर आपको लगता है कि आपको बनवाना है और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो बताइएगा, आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा। मेरे पास फोटो एडिटर वीडियो एडिटर हैं तो मैं उनको बोल दूंगा, वो तुम्हारे काम को कर देंगे बहुत इजीली, कुछ उनके थोड़े बहुत पेमेंट होंगे वो आप पेमेंट करके बनवा लेना। चलिए देखते हैं किस तरीके से वर्ड में बनाते हैं पोर्टफोलियो एक एक इमेज फाइल, क्योंकि मैं भी फोटोशॉप में काम ज़्यादा नहीं करता तो मैं भी वर्ड में ही आपको दिखाऊंगा जिसमें वो बना हुआ और किस तरीके से बना हुआ, ये भी देखते हैं। दोस्तों मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ किस तरीके से पोर्टफोलियो बनाते हैं। तो सबसे पहले चलिए मैं ये पोर्टफोलियो लेता हूँ और इस पोर्टफोलियो में देखिए इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से हितेश पाटिल ने बनाया है पोर्टफोलियो और इनका मुझे पोर्टफोलियो से अच्छा इनका कवर लेटर लगा मुझे। मैं इनका कवर लेटर भी आपको दिखाऊंगा किस तरीके से बनाना है। और देखिए इनका इस तरीके से इन्होंने प्रेजेंट किया कि मींस मुझे क्या क्या आता है इन दिस पोर्टफोलियो, आई हैव डन माय दिस डिग्री एंड जो भी आपने किया है। इस तरीके से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं कि किस तरीके से बनाया, आपको आइडिया लग जाएगा। और अदरवाइज आप नीचे कमेंट करिएगा, अगर आपको जरूरत होगी तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये आपको दे सकता हूँ। सारा प्रोजेक्ट मेंशन करने के बाद फिर उसके बाद इन्होंने इस तरीके से दिखाया मॉडर्न हाउस शेड्यूलिंग। इन्होंने बीम प्रोफाइल के लिए देखिए यहाँ पे दिया है इन्होंने इन्फॉर्मेशन शेड्यूलिंग डेविड नेविस वर्क अदर्स एंड कॉन्टेंट, मीन्स बीम प्रोफाइल के लिए इन्होंने मेनली अपना पोर्टफोलियो तैयार किया है। आपका स्ट्रक्चर के लिए हो सकता है, आपका आर्किटेक्चर के लिए हो सकता है, आपका BIM के लिए भी हो सकता है, तो और आपका इंटीरियर के लिए भी हो सकता है। इंटीरियर का भी मैं आपको एक पोर्टफोलियो दिखाऊंगा। देखिए मॉडर्न सिलुएट इन्होंने बनाया, इसके बाद ड्राइंग रेनफोर्समेंट किस तरीके से प्रोवाइड करते हैं इनको पता है इसलिए इन्होंने इस तरीके से दिखाया। इसके बाद यहाँ पे फ्लोर प्लान्स कैसे प्रेजेंट करते हैं, देखिए आपने ही बनाया होगा पर इन्होंने बहुत ही सिस्टमेटिक बनाया था। ये देखिए रेबिट के अंदर बनाया हुआ ये सॉफ्टवेयर है, यहाँ पर सारा कुछ इन्होंने लिख रखा है, डिटेलिंग दे रखी है, तो देखने में थोड़ा सा अच्छा लग रहा है ये, तो ऐसे ही आप भी बनाइए। और इसके बाद इन्होंने रेबिट पे रेंडरिंग की है, रेंडरिंग में इनको थोड़ी सी और फिनिशिंग की जरूरत है पर फिर भी अच्छा है। और उसके बाद इनका ये पोर्टफोलियो ये भी मुझे अच्छा लगा। और इसके बाद ये आपने देखा इस तरीके से बहुत ही अच्छा इन्होंने बनाया है, ये आई थिंक यस नेविस वर्क में बनाया गया है, सॉफ्टवेयर में है। और इसके बाद इन्होंने एक और ये आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर बनाया है और एक ये बीम के लिए बनाया हुआ है इन्होंने फाइल। और इसके बाद इन्होंने कॉलम के कुछ टाइप्स बनाए हैं, ये रेबिट फैमिली आपने पढ़ा होगा, बहुत ही अच्छा इनका रेबिट फैमिली है, रेबिट फैमिली है। हितेश आप मुझे नीचे कमेंट करिएगा और क्योंकि मुझे आपको एक जगह पे भेजना है, आप वहाँ पे अप्लाई कर दीजिए शॉर्ट लिस्टिंग के लिए, मैं बात करता हूँ और आप भी शॉर्ट लिस्टिंग के लिए जहाँ तक आपका हो जाएगा। तो हितेश अगर ये वीडियो देख रहे हो तो नीचे कमेंट कर देना ब्रदर। और ये देखिए यहाँ पे स्टेयरकेस इस तरीके से बनाया गया है और उसके बाद ये लाइटिंग का मुझे काफ़ी अच्छा लगा, बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया इन्होंने और ये तो बहुत ही अच्छा था। तो ये देखिए इस तरीके से आप बना सकते हैं।
और उसके बाद ये दोनों डोर के फैमिलीज हैं, इन्होंने डोर बनाया है और उसके बाद इन्होंने अपना यहाँ पर नंबर दे रखा है। इस तरीके से आप बना सकते हो पोर्टफोलियो। तो इसके इससे क्या होगा कि सामने वाले को आइडिया लग जाएगा कि आपको किस लेवल का आता है, क्योंकि अभी तक क्या करते हो, अभी तक आप क्यों रिज्यूम भेज देते हो, आपके रिज्यूम से मुझे या किसी और को अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती कि आपको किस लेवल का नॉलेज है। तो इस तरीके से आपको पोर्टफोलियो जरूर भेजना है। एक और पोर्टफोलियो दिखाता हूँ इंटीरियर डिजाइनिंग के लिए किस तरीके से किया जाता है। प्रदीप कुमार ने ये भेजा है, बहुत अच्छा इनका भी पोर्टफोलियो है। ये देखिए पोर्टफोलियो के लिए इन्होंने पोर्टफोलियो नाम दिया अपना, और यहाँ पे इंटीरियर डिजाइनिंग के लिए इन्होंने जो भी किया है ये यहाँ पे डाल दिया है। और उसके बाद इनका एक दूसरा प्रोजेक्ट है, ये काफी अच्छा ये भी है, और उसके बाद इनका तीसरा प्रोजेक्ट है और ये चौथा प्रोजेक्ट है, और इसके बाद ये पांचवा इनका का प्रोजेक्ट है इंटीरियर का, काफी अच्छा है, बैस वगैरह बना रखा है। ये छठवा प्रोजेक्ट है इनका, ये भी ये बहुत अच्छा लगा मुझे, काफी अच्छा इसका थिंकिंग इन्होंने लगाया हुआ है। और ये आपका मॉड्यूलर किचन है, और इसके बाद ये उन्होंने चर्च बनाया है और ये पे प्लानिंग वगैरह किया है, और इस तरीके से ये प्राइवेट कोई हाउस है, और ये भी इनका प्रोजेक्ट काफी बेहतरीन है, मींस लाइटिंग वगैरह का अंडरस्टैंडिंग इनका काफी अच्छा है। देखिए ये पता चला है मुझे, अभी इनसे बात नहीं हुई, इससे पहले मुझे अंडरस्टैंड हो गया कि इनका लाइटिंग का अंडरस्टैंडिंग अच्छी है। तो ये बहुत जरूरी है, अगर इस तरीके से आप पोर्टफोलियो बना लेते हो तो काफी हद तक सामने वाले को हेल्प मिल जाता है कि आपको किस लेवल का नॉलेज है। ये देखिए इस तरीके से, और ये देखिए इनका ये भी प्रोजेक्ट काफी अच्छा है, इनका मॉडल मुझे बहुत अच्छा लगा, इन्होंने नीचे थैंक यू लिख के अपना इस तरीके से प्रेजेंट कर दिया है। तो आप पढ़ लीजिए इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऐसे ही आपको ही बनाना है। आप सोच रहे होंगे सर ऐसा बनाऊं कैसे, तो आप सब नॉर्मल आप यहाँ पे वर्ड खोल लीजिएगा अपना, आपको सबसे आसान तरीका मैंने बताया, बाकी दूसरा तरीका भी मैंने आपको बताया, मैं कल एक पोएम लिख रहा था। तो ये इस तरीके से हमको ओपन करना है, और आपने रेंडर फाइल तो अपनी रख रखी होगी, मतलब ले रखी होगी। अब मुझे अगर मैं बात करूँ कवर लेटर की, ये देखिए ये कवर लेटर होता है इस तरीके से, इन्होंने मेंशन किया काफी अच्छे तरीके से इन्होंने बनाया कवर लेटर। हाय हेलो आई एम हितेश पाटिल, आई रिसेंटली ग्रेजुएटेड बैचलर डिग्री और उसके फ्रॉम वेयर पुणे यूनिवर्सिटी, आई हैव डन माय बीआईएम कोर्स, बीआईएम कोर्स इन्होंने डन कर रखा है, इतने सॉफ्टवेयर कर रखे हैं। आई एम इंटरेस्टेड फॉर अप्लाइंग द पोजिशन ऑफ डिजाइन इंजीनियर, आई वुड बी अवेलेबल एज ए टू योर कंपनी। इस तरीके से उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से इनका पोर्टफोलियो मुझे बहुत बेहतरीन लगा। तो इस तरीके से आपको पोर्टफोलियो बनाना है, चाहो तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि आपको इसी तरीके से बनाना है। एक और पोर्टफोलियो आया मुझे यहाँ पे, दैट वाज लाइक प्रदीप कुमार, जिनका भी अभी इंटीरियर का डिजाइन दिखा मैंने। प्रदीप कुमार आपको एक पर्सनल एडवाइस है, आपका पोर्टफोलियो तो बहुत ही बेहतरीन है, आपका पोर्टफोलियो बहुत बेहतरीन है, बट आपको थोड़ा सा सुधार करने की जरूरत है अपने लाइक कवर लेटर में। कवर लेटर अभी जो पीछे हितेश का दिखाया वो मुझे काफी अच्छा लगा। तो यहाँ पे आपको ये कैट इंजीनियर या कैट सेंटर यहाँ पे नाउ एज अ कैट इंजीनियर, ओके आई वांटेड टू बी अपग्रेड, ओके इन्होंने कैट में शायद ज्वाइन किया था पहले, इनको ये सॉफ्टवेयर आ रहे थे, ये ना इनको डार्क कर सकते हैं, मतलब मीन्स बोल्ड कर दीजिए, और स्टैट प्रो को लिखते टाइम स्टैट प्रो की स्पेलिंग पे ध्यान दीजिए, फोटोशॉप की स्पेलिंग पे। आपको छोटी छोटी गलतियाँ नहीं करनी है, जिससे सामने वाला आपको रिजेक्ट करने से पहले सोचे नहीं यार रिजेक्ट किस लिए करूँगा। अब देखिए मैंने वर्ड खोल लिया, और वर्ड खोलने के बाद यहाँ पे आप बहुत से टेम्पलेट्स भी होते हैं, बट एक नॉर्मल टेम्पलेट में भी अगर आप पोर्टफोलियो बना लेते हैं और आपकी डिजाइन में दम है तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। इंसर्ट पे क्लिक करिएगा यहाँ पे, और यहाँ पे इंसर्ट पे जाएंगे तो आपको इमेजेस आप इंसर्ट कर सकते हैं, यहाँ से पिक्चर पे क्लिक करना है और पिक्चर अपनी इम्पोर्ट कर लेना है, और यहाँ पे ऊपर लिख देना है कौन सी डिजाइन है, बस ये करना है। और फर्स्ट पेज पे आप यहाँ पे नेम लिख दो अपना, लाइक कौन सी यूनिवर्सिटी से पास आउट हो, नीचे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी लिख दो। इस तरीके से बहुत ही इसलिए आप पोर्टफोलियो तैयार कर सकते हो, और पोर्टफोलियो तैयार कर दिया तो वही समझिए आपके सिलेक्शन में काफी तक हेल्प हो जाएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करिएगा, और साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि आप किस प्रोफाइल के लिए जॉब सर्च कर रहे हो, तो अगर मेरे पास कुछ रहेगा तो मैं कम से कम आपकी हेल्प तो कर पाऊंगा। दोस्तों कैसा लगा आपको ये पोर्टफोलियो का सैंपल, और साथ ही साथ ये कवर लेटर कैसा लगा? क्या आपने पहले ऐसा ही करके अप्लाई किया था और आपको कोई रिएक्शन मिला, कोई रिप्लाई मिला? आप सबसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, आप सब लिंक्डइन पे ज़्यादा से ज़्यादा लिंक्डइन को यूज करिए। लिंक्डइन पे मैं भी हूँ, आप सर्च कर सकते हैं आकाश पांडे, और साथ ही साथ आप खुद को भी लिंक्डइन पे थोड़ा सा अच्छा नेटवर्क बनाइए, क्योंकि अगर लिंक्डइन पे आप हैं तो बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल लोग हैं वहाँ पे। और अभी कल ही मुझे एक बहुत ही अच्छा ऑफर वहाँ पे आ रहा था लिंक्डइन पे, दैट ऑफर वाज नॉट रिलेटेड टू जॉब,
दैट ऑफर वॉज लाइक अबाउट सॉफ्टवेयर, लाइक हाउ कैन वी क्रिएट द सॉफ्टवेयर एंड ऑल, उस तरीके के कुछ फंडामेंटल्स थे। लेकिन मुझे फ़ायदा ये हुआ कि मतलब मुझे ऐसे ऐसे लोगों से, सीईओ और डायरेक्टर से डायरेक्ट बात होती है, तो अच्छा लगता है। और मैं आपसे भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि लिंकडिन पर अगर आईडी नहीं है तो प्लीज़ बना लीजिए। वहाँ पे जितने लोग आपके कनेक्शन में हैं, ट्राई करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कनेक्ट करने का। जितने लोग आपके कनेक्शन में हैं उनको आप पर्सनल मैसेज विद कवर लेटर, अब पता चल ही जाएगा वो किस कंपनी में है, आप भेज देंगे। हो सकता है आपका कवर लेटर किसी को अच्छा लग जाए। जैसा मैंने अभी आपको दो सैंपल दिखाए, मुझे दोनों सैंपल बहुत अच्छे लगे। एक बीम प्रोफाइल के लिए है, इंटीरियर डिजाइन प्रोफाइल के लिए। अब मेरे पास बीम और इंटीरियर डिजाइनिंग के जैसे ही कोई जॉब आती है, डेफिनेटली मैं तुरंत ही इन दोनों को कांटेक्ट करके इनको बताने वाला हूँ कि आप यहाँ पे चले जाइए। वैसे बीम के लिए तो मेरे पास अभी एक आ गया है, तो अभी जो जिसने बीम के लिए भेजा है, नीचे कमेंट करना, आपके लिए एक अच्छा काम हो चुका है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो। मैं इस तरीके से आपकी हेल्प कर रहा हूँ तो आपका भी हेल्प बनता है। हेल्प क्या करना है, हेल्प सिर्फ इस वीडियो को 20 से 25 30 लोगों को शेयर कर देना है। एक ग्रुप में शेयर करके बता दीजिए कि दिस इज सिविल इंजीनियरिंग वीडियो, काइंडली वॉच। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, अब घर वालों को मत शेयर करिए। अगर घर वालों को शेयर करना है तो मेरे दूसरा चैनल है राइट स्टेशन, उसके वीडियो शेयर करिए, तो घर वालों को भी फायदा होगा। इससे तो सिर्फ आपका फायदा होगा और आपके दोस्तों का फायदा होगा। तो प्लीज शेयर करिए, सबको ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिए, क्योंकि सपोर्ट करते हैं तभी यार थोड़ा सा। अभी देखो मैं एडिटिंग बंद कर चुका हूँ क्योंकि एडिटिंग मुझे बहुत कॉस्टली जा रही थी, तो अभी मैं बिना एडिटिंग के ही वीडियोस तैयार कर पाऊंगा। क्योंकि आपको यार अभी इतने ज़्यादा ग्रोथ नहीं मिल रही थी चैनल पे, तो बीच में तो ऐसा हुआ कि यार बंद कर देते हैं। अभी इससे ज़्यादा कहीं बाहर मेरी कमाई हो जाती है, लेकिन मतलब लगता है कि आपसे इंटरेक्शन भी ज़रूरी है। तो मैं सुबह सुबह अभी अभी उठा और उठ के मैंने कहा अभी तैयार करेंगे वीडियो और देखेंगे क्या होता है। शायद आप लोग का और अच्छे से सपोर्ट मिले, हम और ज़्यादा ग्रोथ करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।